आपके प्रश्न भी बड़े खतरनाक आते हैं। कमेंट बॉक्स में जो आप प्रश्न लिखते हैं ना, बहुत खतरनाक आते हैं। जी हाँ, सोचना पड़ जाता है कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। आज हमने दो प्रश्न ऐसे लिए हैं जिसका उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। पहला प्रश्न, वाइफ यानी जो पत्नियां होती हैं वो ज़्यादा नाखुश क्यों होती हैं शादी के बाद? डाइवोर्स के जो ज़्यादा केसेस आते हैं वो पत्नियों की तरफ से क्यों आते हैं, शुरुआत उनकी तरफ से क्यों होती है? और दूसरा, क्या टॉप रीज़न है तलाक के? सोचना पड़ गया लेकिन उत्तर मुझे मिला, मेरे हिसाब से उत्तर है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आपने शुरुआत की है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कानून की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। पहला सवाल पहले लें या दूसरा सवाल पहले लें? मैं आपको कहता हूँ पहला ही सवाल पहले ले लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनकी तरफ से डाइवोर्स की प्रोसीडिंग क्यों इनिशिएट हो रही है, एक रिसर्च कहती है। उसके पीछे कारण ये है कि डीप रूटेड सेंस और अनफुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि शादी के पहले हमारी कुछ समझ रहती है, शादी के बाद आने के बाद हमें लगता है कि नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा तो निकला ही नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा तो है ही नहीं। इसके पीछे कारण ये है कि पति का कम प्यार करना, जहाँ पर लैक ऑफ लव एफेक्शन ट्रस्ट, जहाँ पे कोई अफेक्शन ही नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई अफेक्शन नहीं है, दोनों के लिए एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, शक करते हैं, बात बात पर विवाद करते हैं, तो ये सारी जो क्रूशियल कंपोनेंट होती हैं यही है अनफुलफिलमेंट। और ये काफ़ी डीप रूटेड होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं, खासकर महिलाओं की, क्योंकि बाय नेचर जो महिलाएँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो इमोशन से ज़्यादा अटैच होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, डैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, बट इमोशंस उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जब वो अपना घर छोड़ करके पति के घर में आती हैं, पति के साथ रहना शुरू करती हैं, अपने माँ बाप अपने परिवार को छोड़ करके, जब ये सारी चीज़ें लव एफेक्शन ट्रस्ट रिस्पेक्ट अदर क्रूशियल कंपोनेंट जब उनको नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन पर बात और नौमत आ जाती है तलाक की। तो ये एक विशेष कारण है जिसकी वजह से जो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं वो अनहैप्पी होती हैं, खुश नहीं होती हैं, नाखुश होती हैं अपनी शादी को लेकर के। दूसरा प्रश्न ये भी ज़रूरी है, इतने ज़्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो कारण है वो एक रिसर्च बताती है कि कारण है कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूइंग एंड इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप। ये अलग अलग शब्द हैं लेकिन इसका मतलब ज़रा समझते हैं। आपस में तालमेल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, हर बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट रहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको जो चीज़ पसंद है ज़रूरी कि आपकी वाइफ को भी वो चीज़ पसंद हो, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हर बात को लेकर के एक दूसरे के विपरीत। आपको पूर्व पसंद है, उनको पश्चिम पसंद है, आपको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, तो हर बात में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। फिर बहस, हर चीज़ में बहस नहीं करनी चाहिए। ये जो बहस है एक बहुत बड़े तमाशे को, और ख़ासकर रिलेशनशिप में बहस नहीं करनी चाहिए। आपको ये जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि आप ही सही हैं और सामने वाला गलत। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक तलाक का रूप और स्वरूप बना लेते हैं। इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसका क्या मतलब होता है? मतलब लगातार ये जो छोटी 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 बातें होती हैं ना, वो एक दिन इतनी बड़ी जड़ पकड़ लेती हैं जो कि आपके रिश्ते को चकनाचूर कर देती हैं, आपके लव इमोशन अफेक्शन अट्रैक्शन सब कुछ ख़त्म कर देती है। इसी को हम लोग कहते हैं इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप, जो कि वापस से रिपेयर नहीं किया जा सकता। कांच आप ऊपर से नीचे गिराएं, कांच टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा, वापस से आप कितनी भी कोशिश कर लें वो कांच के टुकड़े वापस से वैसे एक फ्रेम में नहीं जुड़ेंगे। यही है इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप। लैक ऑफ कमिटमेंट, जो एक दूसरे के लिए वादा किया जाता है वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। हालांकि ये ज़रूरी भी नहीं कि सारे वादे पूरे किए जाएँ, लेकिन अगर आप कुछ भी कर लें तो आपका रिश्ता बच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा तलाक के मामले आज के समय बढ़ते जा रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी होती नहीं है। शुरू शुरू में आपको लगता है कि हम शादी कर लेंगे, बहुत खुश रहेंगे, प्यार मोहब्बत और जन्नत होगी। जब आप शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद आपके बीच का जो प्यार मोहब्बत है, कुछ समय या साल या महीनों के बाद वो धीरे धीरे कम पड़ता जाता है। आप उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं और वो एक रास्ता बना देता है आपके तलाक तक का। जी हाँ, तो ये सारे कारण हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे घर वालों का, चाहे वो लड़की के घर वाले हों या लड़के के घर वाले हों, उन दोनों की कॉम्पिटेंसी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं
अपने बच्चों के रिश्ते में, और जिसकी वजह से भी ये रिश्ते ख़राब होते हैं। और सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम पे शादी के बाद में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से तलाक के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप कितने दिन छुपाएंगे? एक दिन, एक महीने, साल भर? आज नहीं तो कल आपके पति या पत्नी को सच्चाई, वास्तविकता पता चलेगी, और जब पता चलेगी तो उसका रिजल्ट और परिणाम क्या है? तलाक, तलाक, तलाक। जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकेंगे मुझे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीमती महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।